जय सियाराम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी के अलर्ट्स में। तो हमने लाइव किया था संडे को, हमने लाइव किया मंडे को, हमने लाइव किया था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उस पर जो था हमने अपडेट दी हिमाचल प्रदेश के जीओए आईटी के बारे में, और जितना भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने के बारे में हमने उस पर अपडेट दी। तो उस वीडियो को अच्छा खासा प्यार मिला और हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं और आप लगातार जुड़ते जा रहे हैं हमारे चैनल से, तो उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। तो अभी आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के लिए अपडेट हम बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि आज 15 तारीख है और आज जो है कुछ एस्पिरेंट जो हैं सेक्ट्रेट यानी शिमला में सेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जो हैं गए हैं, ताकि वो स्टूडेंट गए हैं जिन्होंने जिनको रिजल्ट जो है पेंडिंग में है और जो रिजल्ट आने को है और जिनका प्रोसीजर अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो स्टूडेंट वहां पर पहुंचे हैं अपनी ये मांग लेकर कि उनका रिजल्ट निकाला जाए जल्द से जल्द, ना कि उनके पेपर कैंसिल किए जाएं। उसके बारे में जो स्टूडेंट हैं वो बात करने के लिए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को बहाली करने की बात अगर करें तो ये जल्द ही होगा। अभी आपको पता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जी ने क्या कहा था, तो इसकी अपडेट जो थी मैंने लाइव पर आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। और आगे जो लाइव रहेंगे उस पर आप सभी की क्वायरी जितनी भी होगी उसके सवालों के जवाब जो होंगे वो दिए जाएंगे और आपके साथ हम कॉन्फ्रेंस करेंगे एस्पिरेंट के साथ, जितने भी स्टूडेंट रहेंगे और जितने भी लोग रहेंगे। तो कैबिनेट मीटिंग 16 तारीख को है और कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसला आ सकता है हमीरपुर बोर्ड को बहाली को लेकर। तो कैबिनेट मीटिंग में और भी कौन कौन सी बात है हम इधर बात करेंगे। तो कैबिनेट मीटिंग में जो सबसे पहला मुद्दा जो है तो वो महिलाओं को 1500 को लेकर है और 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए है। और जो मुद्दा है और एक और मुद्दा है 1,00,000 नौकरियां सुखविंदर सुक्खू जी किस तरह से देंगे, एक साल में 1,00,000 नौकरियां किस तरह से सुखविंदर सुक्खू जी अपने कार्यकाल में लोगों को देंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो ये जो फैसले हैं वो 16 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में लिए जाएंगे और भी फैसला लिया जा सकता है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हमीरपुर को बहाल करने में। तो आपको पता ही है कि सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि जो भर्तियां हैं यानी जो भर्तियां अभी होनी थी, पेंडिंग की बात नहीं कर रहा, जो आगे आनी है वो जो है आपकी जो है मार्च के एंड पर और अप्रैल के पहले पहले यानी मार्च के एंड होते ही जो है भर्तियां आएंगी। तो भर्तियां किस रूप में आएंगी वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर ही उसको निकालेगा। तो हमीरपुर बोर्ड जो है फिर से बहाल होने वाला है दोस्तों। तो और क्या फैसला होगा जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको लेकर, और 21 तारीख यानी 21 तारीख मैंने आप सभी को बताया था कि 4 सीट दायर होगी, उन पर कार्रवाई होगी जो भी लोग पकड़े गए इस रिपोर्ट में, जो भी रिपोर्ट आई किस किस के पास जो भी आपके जो टेस्ट थे वो लीक हुए। तो और भी जितनी भी क्वायरीज हैं आपके मन में, स्टूडेंट के मन में कि आप क्या जानना चाहते हैं, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं जो अभी शिमला में है सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर जो लोग गए हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो अपना जो व्हाट्सएप नंबर है ज़रूर से कमेंट करें ताकि हम जो है लाइव कर सकें। मैं आपको लाइव का लिंक सेंड करूँगा और आप जो है हमारे चैनल के थ्रू लाइव हो सकते हैं और लोगों को आप अपने प्रदर्शन के बारे में भी बता सकते हैं, और जिससे जो है जितना भी सोशल मीडिया होता है हिमाचल के जितने ज़्यादा लोगों को पता चलता है लोग उतने जुड़ते जाते हैं, यानी एस्पिरेंट उतने जुड़ते जाते हैं, लोगों की मांग जो है जो भी मांग होती है वो स्टूडेंट को स्टूडेंट की जो भी मांग होती है तो वो जल्दी से सुनी जाती है। आप सभी को पता ही है क्योंकि जो कम्युनिटी होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो बाकी और भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो अगले लाइव पे हम जेओए की अपडेट से लेकर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को बहाली करने के बाद और नए आरएनपी रूल के बारे में भी हमने पूरी तरह से आपको बता ही दिया था। तो अभी फैसला आने को है हफ्ते में, अभी फैसला आ जाएगा, अभी जो है बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अभी जल्द ही फैसला आएगा। तो फैसले में ये निकल के आएगा कि जो हमीरपुर बोर्ड है वो बहाल हो जाएगा और पेपरों को लेकर क्या फैसला आएगा वो अभी
देखने को है वो फाइनल रिपोर्ट जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव की, और जो भी आपकी विजिलेंस की रिपोर्ट थी, वो एसआईटी की रिपोर्ट थी, वो सारी की सारी रिपोर्टें जो हैं सुखविंदर सुक्खू के पास दे दी गई हैं, और आगे क्या फैसला होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, धन्यवाद दोस्तों। और भर्तियों के बारे में भी हम बात करेंगे लाइव पे, जितनी भी नई भर्तियां होंगी उनके बारे में, सभी भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, धन्यवाद दोस्तों।